हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो सुबह का टाइम है और मैंने नहा लिया। मम्मी बना रही हैं खाना और अम्मा फेर रही थी मठा सुफेरचों को। आज धूप निकल आई बढ़िया, हमने नहाए लो। 8 बजिए और सब लोग चले गए स्कूल। साहिल, आरजू, अभी, शिवदेव। तो देखिए फ्रेंड, ये रही छाछ ठंडी सी और जो काला नमक मिला है। आजा सब लोग पी लियो, मठा पी लो। हमने एक गिलास, अब हम बनाए कलाकंद। हाँ, कहो तो नहीं आ रही सही तरह। हम बनाने जा रहे, सुबह ही बनाने जा रहे थे पनीर के पराठे। तो मम्मी ने बना ली मूंग की दाल, दूध रखो है, सो पनीर बना ले मैं, फिर कलाकंद बर्फी बनाई है। ठीक है, देखियो सब लोग बताइयो कैसी बनी। और इधर देखो का हालत हो। अब दीवार अच्छी लग रही थी लेकिन बारिश ना होती, आंधी ना आती तो सही बनी रहती, लेकिन गिरी। अब जाके हो डेंटिंग पेंटिंग, अब मौसम बढ़िया हुई हो। आज देखो धूप ऊप हुई, अब दो दिन की बारिश और दी जा रही, देख ले मैं, ताकि बाद फिर लीपा पोती हुई है। हमें अच्छी लगत करे कच्ची दीवार, ये कही जाइए कच्ची दीवार आती सो खत्म हुई। अब हम और बनाई है थोड़ी सी, इधर बनाए के देसी किचन सोच रहे बनाए भी नहीं। हमें अच्छी लगत करे, फिर भाई बढ़िया पोतो है मिट्टी गेरू से। चलो तो अब दूध रखो, टाइम बहुत है। तो देखो दूध छान लो, जो 1 लीटर से पनीर बनाए गरम करन रख दो। ये रही टाट, दूध गरम हो, अब जम डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके टाट भी। देखो हम लोग पानी अलग बिल्कुल, अब बनियो इसको छान लेंगे। तो पनीर छान लिया है, अब इसको ठंडे पानी से अच्छे से धुलेंगे ताकि इसकी खटास बिल्कुल निकल जाए। कलाकंद बनाने जा रहे हैं, कलाकंद हां सोई बनाइए क्या? सो कलाकंद ए सोई। तो पनीर को साफ करके धुल लिया है और मम्मी ने जला दिया चूल्हा। तो कढ़ाई में अब रखेंगे दूध गर्म करने के लिए, मतलब दूध को अच्छे से गाढ़ा करेंगे, उसके बाद फिर पनीर को ऐड करेंगे। तो कलाकंद की बर्फी ऐसे ही बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, मस्त बनेगी। अभी देखना आप, देखिए पनीर भी बन चुका है, अब बस इसको निकाल लेंगे। तो जो पनीर बनाया था वो दूध था 1.5 लीटर और ये कढ़ाई में उससे ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते। देखिए पनीर भी बन चुका है। तो पनीर मैंने बना के रख दिया, तब तक मम्मी ने चूल्हा जला दिया था और दूध गर्म करने के लिए रख दिया कढ़ाई में। तो अब इसको चलाते रहना है, जब गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल तब पनीर को डालेंगे। तो अब हम बनाएंगे और मम्मी करेंगी, मम्मी के लिए और भी काम है तो मम्मी वो करेंगी। खाना मम्मी ने बना के रख दिया, तो अभी बर्तन वर्तन वगैरह बहुत काम है। तो दूध अच्छे से गर्म हो चुका है और ये मम्मी ने डाल दी चीनी। तो देखिए दूध गाढ़ा हो चुका है, चीनी मम्मी ने पहले ही डाल दी थी। तो अब इसमें डालेंगे पनीर, और पनीर को बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ। और अब पनीर को ऐड करेंगे और दूध भी बढ़िया एकदम गाढ़ा हो चुका है, तो अब इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो अब पनीर को डाल देंगे और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे पनीर को, और थोड़ी देर अभी और पकाएंगे। और अब इसको अच्छे से चलाना है, बिल्कुल भी गैप नहीं करना है, वरना ये कढ़ाई में लग जाएगा और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। तो बस अब अच्छे से चलाना है बढ़िया से। और देखिए पनीर भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और बहुत ही मस्त बनेगी। फर्स्ट बार में ही आप बनाना मेरे तरीके से, बहुत मस्त बनेगी।
तो अच्छे से मैंने पका ली है। अब कढ़ाई को उतारेंगे नीचे, और मैंने बिल्कुल धीमी आँच में पकाई इसलिए 10 मिनट लग गए। अगर आप तेज आँच में पकाएं तो 5 मिनट में ही बन जाएगी। तो अब इसको पलट लेंगे। देखिए बहुत ही मस्त बनी है। तो अब इसमें ऊपर से डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, वो मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि मेरे घर पे जो भी रखा था सब मम्मी ने लड्डू बना लिए, तो अब बस काजू रखे वो ही मैं डाल दूँगी, है ना। और गुलाब की पत्तियाँ ऊपर से डाल दूँगी, अभी लेके आऊँगी गुलाब का फूल। तो देखिए ये मैंने डाल दिए इसमें काजू। तो हमारी कलाकंद की बर्फी बन चुकी है, बहुत ही टेस्टी। लगा पत्ते एकदम बिल्कुल वाइट है, लेकिन जो इधर रखे ना गैलरी में ताकि वजह से लग रही है, अगर बाहर रखो तो बिल्कुल साफ एकदम मस्त बनी। देखो गुलाब की पत्तियाँ लगाई है, सुंदर लग रही देख रही है। अब थोड़ी देर और रखें तब पीस बनाए। तो फ्रेंड अब रख दे रहे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ठंडी हो जाए तब अच्छी लगे। तो फ्रेंड बज रहे हैं शाम के 5 और अभी भाई चले गए थे ट्यूशन। अब भाई आए के सीधे कान लगे हमें बर्फी दे सोगा दीदी है। अब तो उदय ताश में बैठे बर्फी के मारे तपते हैं। खाई हो जल्दी बताओ सही में। तुम तो फ्रिज में रखे आए थे और चलो अब पीस बनाए अभी भाई को देवे हैं। बताइयो कैसी बनी, हाँ कैसी तुम देख आए बताओ कैसी लग रही थी। फूल दे रहे हो, चलो ले आ जाए हटाओ नहीं रहो तो हम लेके आए रे बस तुम्हारे फ्रिज में रखी रोको। तो अब इसको कट करेंगे। देखो जो हमने टेस्ट करी थी बहुत अच्छी बनी थी, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है। सही में मक्खियों की तुम तमाचो दियो, तुम जो कान अपनो सही कराओ यो कान में कछु है। दवाई वाई तो लेन गई नहीं, मीठू खा फिर तुम्हारा कान और ज्यादा हो रही है। पीस कितनी मस्त बनी एकदम दानेदार बढ़िया। अभी देख अरे दैया है अभी कैसी लग रही सही में देखो कितनी मस्त बनी एकदम कलाकंद दानेदार बनते करे सॉफ्ट बिल्कुल वैसी बनी फ्रेंड। अब जदे और एक ये रखी भूख तुम जाई था फारियो तो का भूख लग रही यार, भूख लग रही यार 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 कर रहे फालतू में। ये तो हम खाए हैं, हम अपने लिए सजाए रहे। वाओ देखो फ्रेंड कितनी मस्त बनी। ये तुम पूरी ले जा ले तुम्हारे लिए स्पेशल पीस ठीक नहीं पे खाई पूरी। चलो खाओ नहीं नहीं आप तो कटोरी ऊपर ही कर लो ना। अरे दैया अभी को मीठा बहुत पसंद है, चलो खाओ। अरे दैया खा लो फ्रेंड खा लो सब लोग। तो देखिए फ्रेंड आ गए हैं छत पे और अभी भाई बर्फी खाए के जो देखो खड़े अभी इधर आओ अभी अभी हमें डराए रहे कि बंदर आइयो अभी वो आइयो मंकी वास्तव में आइयो कहे सॉरी 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 कद तो इतनी जल्दी किसे आ जात करें। हाँ और अपन बोल रहे थे हमें डराए रहे कि सोच तुम डराए रहे हमें डराए था कहा हमने बोल दिया था फिर साइल वो आइए जी देखो अभी इधर आओ। इंग्लिश का पेपर है तुम कितो करो थे तुमने बहुत चीजें मिली थी कितने हुआ तो तुम मिले थे। अच्छा तो तुम सब जानते और एडल की एल मिली थी और आड़ी की एड मिली थी। अच्छा और कछु नहीं मिलो तो तुमने सब कर लो तो ई बाई मिली थी। अरे बॉडी पार्ट्स नेम बोलो करे ई बाई ई बाई कलर्स नेम बोलो करे ऐसे बोली जात करे कैसे कलर्स नेम बॉडी पार्ट्स नेम और फ्रूट्स नेम अच्छा मंथ मैम अजय आए अभी के दोस्त आ ये था साहब इधर आ पीयूष पीयूष ना ये देखो लटक रहे सब खटिया इधर आ पीयूष बुला लो कितने खुश हो जी अभी फ्रेंड नहीं आओ अभी के पास हाय बोल दो हाय के ले ले काय कहां पे है। अच्छा जीना चढ़ के आए था हैं
तो फ्रेंड आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और आपको कैसी लगी बर्फी बताओ, कितनी अच्छी मुँह से बताओ, मुँह से बहुत 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 थैंक यू, नहीं जुगा थैंक यू, अभी वेलकम चले जाइयो। तो फ्रेंड आपको कैसी लगी प्लीज रेसिपी कमेंट में बताना, कलाकंद की बर्फी कैसी लगी सब लोग बता दियो, ठीक है हैं, एक लाइक तो मैंने कर दियो हैं, अभी कर कर देखे आप लोग सपोर्ट करो करे, नहीं 10 लाइक नहीं होता करे, कह फ्रेंड लाइक कर दियो वीडियो को, बोलो हेलो फ्रेंड लाइक कर दियो। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करेंगे, अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, किसी कर दे सबको।